एप्पल शेप बॉडी वालों को जब भी किसी पार्टी पे जाना होता है तो समझ में ही नहीं आता कि क्या पहने या फिर क्या खरीदे। आज के वीडियो में मैं आप एप्पल शेप बॉडी वालों के लिए आउटफिट ऑप्शन दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इंडियन वेयर के ऑप्शन दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन, ये मेरा बहुत ही एक फेवरेट डिजाइन है, ये कलीदार सूट, ये मल सिल्क फैब्रिक में है, ये बहुत ही सॉफ्ट और इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है और जो इसमें कलियां हैं उससे बहुत एक स्लिम लुक आती है। अब एप्पल शेप बॉडी है तो आपका टमी वाला पार्ट मोटा है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि आपका सिर्फ जो टमी की जो ब्रॉडनेस है वो ही एकदम प्रोमिनेंट ना हो और उसको नीचे कंटिन्यूएशन में हम उसको फ्लो में कैसे कैमोफ्लैज करें, तो उसके लिए ऐसे जो कलीदार स्टाइल्स होते हैं दे वर्क वेरी वेल। अब इस स्टाइल में जो नीचे घेरे पे एम्ब्रॉयडरी है उससे क्या होगा कि आपकी टमी से फोकस हट के नीचे घेरे की तरफ चला जाएगा और वही हमें चाहिए। इस पीस के साथ एक प्लेन दुपट्टे की बजाय वी हैव गिवन अ वेरी प्रिटी प्रिंटेड सिल्क ऑर्गेंजा का दुपट्टा। आजकल ऑर्गेंजा दुपट्टा का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और ऐसे पूरा प्रिंटेड ऑर्गेंजा का सूट लेने की बजाय सिर्फ जब हम दुपट्टा ले लेते हैं तो बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लगता है। देन वैसा ही सूट में एक और ये मेरा बहुत फेवरेट स्टाइल है, ये टर्कोइज ग्रीन कलर में ये अनारकली। दिस इज नाउ नॉट रियली एन अनारकली बट अ कलीदार कुर्ता। पर जो लोग अनारकली से थोड़ा सा रिलक्टेंस रहती है कि अरे इतना फॉर्मल ओकेजन नहीं है कि मैं अनारकली पहन के जाऊं और साथ में उनको स्ट्रेट सूट भी नहीं पहनना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि थोड़ी सी कलियां आ जाती हैं, थोड़ा सा फ्लेयर आ जाता है बट थोड़ी सी एक सूट वाली लुक भी रहती है। अगेन सेम रीजन कि ये एप्पल शेप बॉडी के लिए क्यों परफेक्ट है, बिकॉज एक तो इसके यहाँ पे इस पार्ट पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं है कि आपका जो फोकस है वो आपके टमी पे जाए और जो कलियां हैं उन पे जो ये डिटेलिंग है उससे एक बहुत स्लिम लुक आ जाती है। एंड देन थर्डली जो नीचे इसका घेरा है, जब ऐसा ए शेप सिल्वेट क्रिएट होगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक स्लिम लुक देगा। ये पीस हमारा कोरा सिल्क में बना हुआ है और इसके नेक पे ये डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी है और वैसे ही सेम एम्ब्रॉयडरी में बूटे यहाँ पे घेरे पे हैं और वैसा ही सेम बूटा हमने एक ये स्लीव पे दिया है। इसके दुपट्टे पे हमने कुछ बहुत हैवी कुछ भी नहीं किया और सिर्फ ये डबल स्कैल्पिंग दी है और ऑल ओवर दुपट्टे के ऊपर ये छोटी छोटी बूटी दी है। ओवरऑल ये बहुत ही एक डेलिकेट और प्यारा पीस है जो आप किसी के भी फंक्शन पे पहन के जा सकते हैं, लाइक नॉट नेसेसरली कि अगर आपका कोई बहुत क्लोज है तो वहीं पे आप ये पहन पाएंगे। इसको आप चाहे आपके किसी क्लोज रिलेटिव के यहाँ पे कोई फंक्शन है या कोई किसी फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टी है या इवन कोई किट्टी या फिर कपल किट्टी पे भी आप ये इजिली पहन के जा सकते हैं। देन इन सूट्स के अलावा अगर आपको थोड़ा और फॉर्मल में जाना है तो आप कुछ ऐसा अनारकली में भी ले सकते हैं। इस अनारकली में बहुत ज्यादा रेगुलर अनारकली जैसा 3-4 मीटर वाला घेरा नहीं है बट यस स्टिल काफी घेरा है। इसके ऊपर हमने कोई बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं दी है, सिर्फ ये बॉर्डर के ऊपर थोड़ा मिरर वर्क दिया है। बाकी सारी इसकी ब्यूटी जो है ये प्योर चांदी में जो गोटा है, इसको कुछ लोग लप्पी गोटा भी कहते हैं, कुछ इसको चांदी गोटा कहते हैं, इस गोटे में और ये किरण लेस के साथ इसकी सारी फिनिशिंग है। ये पूरा अनारकली और प्लाजो जॉर्जेट में है और इसके साथ जो ये दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा में है। ये आप किसी भी संगीत या हल्दी के फंक्शन पे इजिली पहन के जा सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत क्लोज नहीं है तो आप उनके शादी पे भी पहन के जा सकते हैं। मेरा पर्सनली ये भी बहुत एक फेवरेट पीस है। आज के इस वीडियो में वैसे मैं आपको अपने सारे फेवरेट पीसेस ही दिखाने वाली हूँ। देन इसमें अनारकली में एक और बहुत ही प्यारा और ब्राइट कलरफुल ऑप्शन है, ये चिनॉन शिफॉन में अनारकली। इस पे ऊपर नेक पे उतनी हेवी एम्ब्रॉयडरी नहीं है बट नीचे जो घेरा है वो पूरा प्योर चांदी गोटे में फिनिशिंग करके पूरा ये बॉर्डर तैयार किया है हमने। अब जो ये एप्पल शेप बॉडी वाले होते हैं इनको मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि अनारकली या कुछ भी ऐसी ड्रेस लेते हो तो उसमें यहाँ पे योक्स नहीं लो, रादर आपका जो अनारकली है उसकी कलियां ऐसे पूरे ऊपर से शुरू हो। इस पीस में वैसी ही कलियां हैं तो दिस विल वर्क वेरी वेल फॉर एप्पल शेप बॉडी। अगर इसका नीचे से बॉर्डर हैवी है भी तो वो अगेन आपको वो ए लाइन वो शेप देगा और वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। इस पीस का जो दुपट्टा है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इस दुपट्टे के ऊपर ऑल ओवर ये जाल है और कॉर्नर्स में बूटे हैं और इसके जो ये छोटे छोटे टैसल्स हैं ये थोड़ा ऐसा आवाज करते हैं तो बड़े प्यारे बड़ी फेस्टिव सी वाइब देते हैं। मुझे ऐसे ब्लिंगी फेस्टिव थोड़े छम छम वाले
थोड़े एड ऑन एलिमेंट्स वाले पीसेस जो है वो मुझे पर्सनली बहुत प्यारे लगते हैं। एक ये वाला स्टाइल भी हमारा एप्पल शेड बॉडी वालों के लिए बहुत चलता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जिसमें मैंने प्लस साइज के लिए अनारकली ऑप्शन दिखाए थे, उसमें भी मैंने ये वाला पीस दिखाया था। और ये वाला आपको सारे पीसेस हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ये हमारा वेबसाइट का लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप इस लिंक पे जाके वहाँ पे अनारकली वाले सेक्शन में या फिर सूट्स वाले सेक्शन में ये वाले सारे सूट्स आपको मिल जाएंगे और आप इनमें से किसी के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देन सूट्स के बाद मैं कुछ ऑप्शन दिखाना चाहूंगी गाउन्स की। गाउन्स में एक ये वाला पीस हमारा लेटेस्ट एडिशन है हमारी कलेक्शन में। ये एक बहुत ही प्यारा सैटन ऑर्गेंजा में गाउन है और उसके ऊपर ये ऑर्गेंजा में जैकेट है। ये जैकेट इसलिए भी डिफरेंट है कि ये सिर्फ हाफ साइड पे ही जैकेट है। रेगुलर कोई भी जैकेट वाला अनारकली गाउन के जैसे पूरी ऐसे फुल जैकेट नहीं है, इसमें ये हाफ जैकेट ही है। उससे एक तो विजन ब्रेक हो जाती है और आपकी बॉडी की जो पूरी विड्थ है वो आधे में कट के आपको बहुत एक स्लिम लुक देती है। इस जैकेट के ऊपर बैक पे सिर्फ मोटिफ है और नीचे पूरा ऑल अराउंड सब तरफ ये बॉर्डर घुमा हुआ है। इसके साथ में कोई भी दुपट्टा नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको गाउन के साथ दुपट्टा तो चाहिए ही चाहिए, तो आप इसके साथ दुपट्टा एड ऑन करवा सकते हैं। देन लास्ट जो ऑप्शन मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये बहुत ही प्यारा ओल्ड रोज कलर में शॉर्ट जैकेट के साथ ड्रेप्ड गाउन। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक तो इसके साथ में शॉर्ट जैकेट है, दूसरा इसके साथ गाउन है, तीसरा इसमें ड्रेप है। तो जब हम ये वाला गाउन पहनते हैं तो एक ऐसी लुक आती है कि कोई ऐसा साड़ी के ऊपर और शॉर्ट जैकेट पहनी हुई है। मेरे यूजुअली एप्पल शेप बॉडी वाले क्लाइंट्स को बहुत शौक होता है कि ऐसा कुछ जैकेट वाला स्टाइल हमें दो, ऊपर मेरे को सूट करेगा कि नहीं। जैकेट्स में देखो बहुत एक डाइसी रहता है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है, बट बिकॉज इस पीस में हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ओवरऑल सिंगल कलर रखा है, कोई यहाँ पे ऐसा डिफाइन करके नहीं दिखा रहे कि यहाँ तक जैकेट है, मींस यहाँ तक आपका पेट वाला पार्ट है। ये एक कंटिन्यूएशन में फ्लो कर जाता है पूरा स्टाइल, और क्योंकि सब कुछ एक सिंगल कलर में है तो ऐसा कोई पेट के ऊपर डायरेक्ट फोकस नहीं जाता कि यहाँ पे ऐसा गोल गोल पेट दिख रहा है। एंड देन बाकी अगर थोड़ी बहुत रिलक्टेंस अगर रहती है या अगर थोड़ा सा रहता है कि गाउन के साथ यार दुपट्टा नहीं है, तो ये जो इसके साथ हमने ड्रेप दी हुई है इससे वो चीज भी पूरी हो जाती है। एंड हमने जिस भी क्लाइंट को ये पीस बना के दिया है उन्होंने बहुत खुश होके पहना है एंड सब ने आके यही बोला है कि हमें पार्टी में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। अब इस पीस की अगर एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो इस पे बहुत ही प्यारा हमने ये फ्रेंच नॉट्स में और बहुत बारीक पूरा थ्रेड में इसमें एम्ब्रॉयडरी दी है। इसका डिज़ाइन बहुत ही एक्सक्लूसिव, बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी है। कोई ऐसा रेगुलर दबका जरदोजी ऐसा रेशम का वैसा काम नहीं है, रादर सारा फ्रेंच नॉट्स में और सीक्वेंस में इसके ऊपर वर्क है। आप ये वाला स्टाइल या फिर यहाँ पर मैंने आज जितने भी स्टाइल्स दिखाए हैं इनको किसी भी कलर में किसी भी साइज में इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पे ये आर्टिकल ढूंढ के और उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है। और अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता या वेबसाइट ब्राउज करने की नहीं समझ में आ रही तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे पेज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, वहाँ पे सब हमारा एड्रेस हमारा फोन नंबर सब कुछ मेंशनड है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इन में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा स्टाइल लगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।